लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में करीब 5 करोड़ रुपए वाली कीमत के MRI मशीन खराब हो गए। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि राज्य के ही एक मंत्री सत्यदेव पचौरी का गार्ड। दरअसल यूपी के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अपना इलाज कराने पहुंचे थे। इस दौरान जैसे ही मंत्री का सुरक्षा गार्ड अंदर गया, MRI मशीन की मैग्नेटिक फील्ड ने पिस्टल अंदर खींच ली, जिसके बाद पिस्टल मशीन में चिपक गई। दरअसल कल लखनऊ में मंत्री सत्यदेव पचौरी का MRI टेस्ट कराया गया था और इसके लिए मंत्री जी को उस कमरे में ले जाया गया जहां ये टेस्ट किया जाता है। नियम के मुताबिक इस कमरे में कोई भी धातु नहीं ले जाई जा सकती। मंत्री जी का गार्ड पहले तो कमरे के बाहर था, लेकिन थोड़ी ही देर में मना करने के बावजूद लूट की हुई पिस्टल के साथ वो अंदर दाखिल हो गया।